गाजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी, कमाल अदवान अस्पताल पर बमबारी, रफा खान यूनुस में भी मिसाइल हमले, मुतादद इमारतें तबाह, दर्जन अफराद शहीद, 24 घंटों में 700 से ज्यादा शहादतें, नकल मकानी करने वाले शहरियों पर भी आग और बारूद की बरसात, शहदा की मजमूई तादाद 16,000 से ज्यादा हो गई, 6,600 बच्चे शामिल हैं। दरिंदगी पर उतरे इसराइल को अल-क़सम ब्रिगेड का मुंह तोड़ जवाब, सिहूनी कैंप धमाके से उड़ा दिया, कर्नल और मेजर समेत 5 फौजी मारे गए, कैंप में 60 अहलकार मौजूद थे। यमन के हौसी ग्रुप ने बहीरा अहमर में 2 तजारती जहाजों को निशाना बना डाला, इसराइली फौज के मुताबिक जहाज उसके नहीं थे। पेंटागन ने भी एक अमरीकी जंगी जहाज को नुकसान की तस्दीक कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी, मुलजमान को चालान की नकुल फराहम की जाएंगी। बलूचिस्तान के जिले मूसा खेल के जंगलात में लगी आग पर 17 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका, लिवीज की पैदल टीमें सामान के हमरा मौके पर मौजूद, डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि आग ऊपर की जानब बढ़ रही है, सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो पीडीएमए से मदद तलब करेंगे। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अमेरिका जेल में अपनी बहन नाफिया सिद्दीकी से मुलाकात, गले मिलने की इजाजत नहीं दी गई, 4 घंटे की मुलाकात में आफिया बेशतर वक्त रोती रही। फौजिया सिद्दीकी ने कहा है कि बहन की हालत देखकर बहुत दुखी हूँ। और कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर, आखिरी रोज 12 मुख्तलिफ सेशंस में शेरो अदब समेत समाजी मौजूदात पर बहस, 6 किताबों की रोनुमाई, शहरियों की भरपूर शिरकत।